Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu taala alayka wasallam. मेरे प्यारे आका अलैहि सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मालिक निसाब कौन सा शख्स है? मालिक निसाब किसे कहते हैं? बहुत अहम मसला है. आज हम लोग जानते नहीं कि मालिक निसाब किसको कहते हैं. हम ये समझते हैं कि शायद घर का जो मालिक है, घर का जो देखभाल करता है, घर का जो मुखिया है, वही जो है मालिक निसाब है और कुर्बानी जो है उसी के ऊपर वाजिब है. लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि मालिक निसाब कौन शख्स है और क्या घर का जो मुखिया होता है उसी को मालिक निसाब कहते हैं या फिर जो है मालिक निसाब कौन है. आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें. मालिक निसाब कौन है? मालिक निसाब हर वो शख्स है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर की रकम अगर किसी इंसान के पास मौजूद है तो वो मालिक निसाब है. अब ये जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक हो, घर का मुखिया हो, घर का देखभाल करने वाला हो, तभी जो है वो मालिक निसाब बनेगा. नहीं, कोई भी इंसान, मुसलमान हो, मर्द हो या औरत, उसकी उम्र अगर 15 साल के ऊपर है, बुलुगत की उम्र जो मर्द की है वो 13 से जो है वो 15 साल तक है, तो लगभग 15 साल के ऊपर जितने मुसलमान मर्द हैं और उनके पास अगर 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके बराबर की रकम जो उनके पास अगर मौजूद है तो वो मालिक के निसाब हैं और उन पर कुर्बानी वाजिब है. मैं आपको और एकदम आसान लफ्जों में समझाऊंगा कि मालिक निसाब हकीकत में है कौन और मैं समझता हूं कि शायद अक्सर लोग जो हैं वो मालिक निसाब होंगे. देखिए, 52 तोला चांदी की जो कीमत है आज के दौर में वो 36,100 रुपये जो है वो कीमत है 52 तोला चांदी की. तो अगर किसी इंसान के पास 36,000 रुपये से जायद अगर किसी के पास है, चाहे उसकी शादी हुई हो या ना हो, घर का मालिक हो या ना हो, अगर वो कमाता है, मुसलमान है, वो बालिग है यानी उसकी उम्र 15 साल के ऊपर है और उसके पास 36,000 से जायद रुपये अगर उसके पास मौजूद हैं तो वो इंसान मालिक निसाब है. उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है. आज हमारे यहाँ होता क्या है कि एक घर के अंदर 4 बेटे होते हैं, एक बाप होता है, चारों बेटे कमा रहे होते हैं और एक बाप घर में बैठा रहता है और उसके पास कोई रकम भी नहीं है. सारे लड़के कमाते हैं, पैसे अपने पास रखते हैं, बस खर्च के लिए जो है अपने अब्बा अपने वालिद को देते हैं. और जब कुर्बानी का वक्त आता है तो चारों लड़के मिल करके वालिद साहब के नाम की कुर्बानी कर देते हैं, अपने नाम से कुर्बानी नहीं कराते हैं. देखिए, ये सरासर गलत है, ये सरासर जिहालत है. बाप पर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, बाप मालिक निसाब है ही नहीं, इसलिए कि जब उसके पास रकम ही नहीं है, दौलत ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो मालिक निसाब कैसे होगा. 4 लड़के अगर कमा रहे हैं और चारों के पास 36,000 से जायद रुपये अगर जमा हैं तो चारों बच्चे जो हैं वो मालिक निसाब हैं और चारों पर जो है वो कुर्बानी करना वाजिब है. तो मेरी गुफ्तगू से आप ये बात समझ चुके होंगे कि मालिक निसाब कौन है. मालिक निसाब जरूरी नहीं कि घर का मालिक हो, घर का मुखिया हो, बल्कि हर वो मर्द मुसलमान जिसकी उम्र 15 साल से ऊपर हो और वो इंसान 36,000 से जायद रुपयों का अगर मालिक है तो वो इंसान मालिक निसाब है. उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है. अगर वो इंसान कुर्बानी ना करेगा तो फिर वो इंसान जो है वो गुनहगार होगा. तो मालिक निसाब का मतलब आप समझ गए होंगे. तो मालिक निसाब हर वो इंसान है जिसके पास 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर की रकम 36,000 रुपये जो है 52 तोला चांदी की कीमत बनती है, इससे जायद अगर किसी के पास है तो वो इंसान मालिक निसाब है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है.